हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समुंदर मोर, पीजीटी कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, आपका ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन ह्रास के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो डेप्रिसिएशन का अर्थ जानना, डेप्रिसिएशन के कारण और डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये जानना है। तो आइए सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? बच्चों, आप सबने देखा होगा, जब कोई भी हम घर बनाते हैं उदाहरण के लिए, तो जो नया घर होता है कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। उसका कारण होता है, वैल्यू में गिरावट का कारण समय के साथ साथ उसमें मौसम के कारण या बहुत सारे कारणों से उसमें कुछ न कुछ उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। ठीक ऐसे ही बिजनेस के अंदर बहुत सारे असेट्स होते हैं और ये असेट्स जो हैं, फिक्स असेट्स जो हैं वो होते हैं स्थाई, जो संपत्तियां हैं बिजनेस के पास, उन स्थाई संपत्तियों में यूज के कारण या टाइम समय के कारण या फिर हो सकता है वो संपत्तियां अप्रचलन में आ जाएं, उनका प्रचलन ना रहे, उन सब के कारण उनकी वैल्यू में गिरावट आती है। और उस वैल्यू में गिरावट को ही, मूल्य में कमी को ही हम डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। कोई भी स्थायी संपत्ति वो हो सकती है, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, जो कि बिजनेस के संचालन के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके मूल्य में किसी भी प्रकार से, चाहे वो समय के कारण हो, उनके प्रयोग के कारण हो या अप्रचलन के कारण हो, उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने का जो उद्देश्य है, वो जो संपत्ति है उसकी, संपत्ति की लाइफ ज्यादा होती है, लंबे समय के लिए संपत्तियां दी जाती हैं, उसकी संपत्ति की यूजफुल लाइफ में उस असेट को बांटना, ये भी डेप्रिसिएशन का एक मकसद होता है। ताकि जो डेप्रिसिएशन पे के कारण जो है उसकी लाइफ में, पूरी होल लाइफ में असेट्स की, वो संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा ना हो कि जब हमने या बिजनेस ने जो संपत्ति खरीदी है, असेट्स खरीदा है, केवल उसका मूल्य उसी ईयर में नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि उसको पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन जो है बांट देता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। आर एन कार्टर ने कहा है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट फ्रॉम एनी कॉज। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनय सनय एवं स्थाई कमी को ह्रास कहा जाता है। तो यहां पे उन्होंने जो जोर दिया है कि एक संपत्ति में कारण चाहे कोई भी हो, उस कारण से होने वाली ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे और जो कमी है वो परमानेंट नेचर की कमी होगी, उसको हम ह्रास कहते हैं। जे आर बटली बॉय के अनुसार, इट इज मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ऑल फिक्स्ड असेट्स सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा ग्रेजुअली डिमिनिश इन वैल्यू एज दे गेट ओल्डर एंड बिकम बोर्न आउट बाय कॉन्स्टेंट यूज इन द बिजनेस। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि जो स्थायी संपत्तियां हैं, जैसे संयंत्र हो, मशीनरी, भवन, फर्नीचर आदि, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, उनके मूल्य में
कमी आती जाती है और व्यवसाय में निरंतर प्रयोग में आने से व्यर्थ हो जाते हैं। तो इन्होंने जो बात कही है कि जो स्थायी संपत्तियां हैं उन स्थायी संपत्तियों के पुराने होने के कारण, यानी जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं उनके मूल्य में जो कमी आती है और ये कमी व्यवसाय में निरंतर प्रयोग से आती है, उससे वो जो असेट्स हैं वो यूज के नहीं रहते, व्यर्थ हो जाते हैं और इसी को ही जो है डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होना जो है वो डेप्रिसिएशन है, और ये कमी जो है संपत्ति के प्रयोग के कारण हो सकती है, संपत्ति के अप्रचलन में। अप्रचलन का मतलब ये हो सकता है, जैसे अगर हम मान लें बिजनेस के पास एक मशीन है, वो मशीन प्रोडक्शन के काम में लगी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण उसी प्रोडक्शन के लिए एक नई मशीन आ जाती है जो कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड है, अच्छी तकनीक उसमें यूज हुई है, तो जो पुरानी मशीन है अब वो यूजफुल नहीं रहेगी क्योंकि उससे नई उन्नत जो तकनीक की मशीन है वो आ चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रचलन। तो समय व्यतीत होने या उसके निरंतर प्रयोग या अप्रचलन के कारण जो किसी भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है उस गिरावट को हम ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। परिभाषाओं के आधार पर हम ह्रास की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अर्थ किसी स्थायी संपत्ति फिक्स असेट्स के मूल्य में कमी से होता है। यहाँ पे स्थायी संपत्तियों में से हम भूमि को छोड़ देते हैं क्योंकि जमीन का जो मूल्य है वो इस तरह से नहीं घटता जैसे बाकी जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका घटता है। तो स्थायी ह्रास का मतलब है जो फिक्स असेट हैं उनके मूल्य में कमी से है, यानी कि करंट असेट के मूल्य में अगर कमी होती है इस तरह से उसको वहां पे हम ह्रास नहीं लगाएंगे। दूसरा है ऐसी कमी स्थायी प्रकृति की होती है, जो मूल्य में कमी होगी वो कमी परमानेंट होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उस कमी को हम दोबारा से वापस ले आए या असेट दोबारा से पुराने मूल्य पर वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये परमानेंट नेचर की कमी होगी। तीसरी करैक्टरिस्टिक है कि ह्रास एक ग्रेजुअल सनय सनय और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होती है और लगातार चलती है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कमी हो जाए, क्योंकि होगा क्या या तो ये निरंतर प्रयोग से या समय व्यतीत होने पर आचरण अप्रचलन के कारण संपत्ति का जो मूल्य है वो कम जरूर होगा। चौथी जो विशेषता है कि ह्रास लगाना संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी भी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ऐसा करके हम उस असेट का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं बल्कि यह संपत्ति की लागत को इसके कार्यशील जीवन में बंटवारा करने की प्रक्रिया है। जो एसेट है उसकी जो यूजफुल लाइफ है उस यूजफुल लाइफ में उसका बंटवारा करना है असेट का, ना कि असेट का मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए अगर आज हम कोई एक असेट खरीदते हैं 1,00,000 रुपए से और ये मानते हैं कि ये इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, तो इन 10 सालों में बंटवारा इस कोस्ट का इन 10 सालों में बंटवारा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, न कि उस असेट का रिवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना। ह्रास लगाने से संपत्ति के केवल पुस्तकीय मूल्य में कमी आती है, इसके बाजार मूल्य में नहीं। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग कंसेप्ट हैं, ऐसा हो सकता है बुक्स में वैल्यू कम हो मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है बुक वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू कम हो या बराबर भी हो सकते हैं, ये अलग अलग हैं, इनका बराबर होना जरूरी नहीं है। तो असेट यानी जिस बुक वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू पर असेट खरीदा जाता है उसको बैलेंस शीट में नोट करते हैं, उस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटा घटा के हम लिखते रहते हैं, तो वो
उसके मूल्य यानी कि बुक वैल्यू में कमी आएगी जहां डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू में। डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ह्रास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए किया जाता है। जो टेंजिबल फिक्स असेट है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट वगैरह है, उनके ऊपर इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम। यह शब्द क्षयशील संपत्तियों, कुछ संपत्ति ऐसी हैं जिनका जो यूज के कारण उनमें कमी होती रहती है, उनकी वैल्यू घटती रहती है, जैसे खान है, तेल के कुएं, यानी कि उसमें से जितनी मात्रा में हम निकालेंगे, जैसे कोयला खदान है तो कोयला जितना उसमें से निकलता रहेगा उतनी उसमें कमी होगी, वहां से क्षयशील खत्म होती रहती है। ऐसे ही तेल के कुएं, कुआं एक लिमिटेड मात्रा में वहां ये पदार्थ होते हैं, तो जितना वो निकल जाएगा उसमें वो कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो पदार्थ क्षयशील हैं, जो खत्म होते रहते हैं, उनके लिए हम ह्रास शब्द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है ह्रास गैर नकद व्यय है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन लगाने से नकद में कोई खर्च नहीं होता, हालांकि हम इसको खर्च में लेते हैं, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इससे कोई भी पैसा बिजनेस से बाहर, व्यवसाय से बाहर नहीं जाता है, इससे प्रॉफिट घटते हैं और ये पैसा बिजनेस में ही रहता है, बिजनेस से बाहर ये नहीं जाता। ये है हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अर्थ और विशेषताएं जान लेने के बाद अब हम चर्चा करते हैं मूल्यह्रास के कारण, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले निरंतर प्रयोग से, बाय कॉन्स्टेंट यूज, जब भी कोई वस्तु प्रयोग में आती है उसमें कोई न कोई वियर एंड टियर, नॉर्मल घिसावट होती रहती है। ठीक वैसे ही जब बिजनेस में फिक्स असेट्स प्रयोग में लाए जाते हैं तो उनके यूज के कारण उनमें घिसावट होना, उनके में नॉर्मल वियर एंड टियर, टूट फूट आदि होना, वो ज़रूरी है, होती रहती हैं, और उसके कारण उनके मूल्य में कमी होती है, तो ये एक कारण है डेप्रिसिएशन का। दूसरा है समय व्यतीत होने से। आज अगर हम कोई बिल्डिंग बना लें और वो बिल्डिंग बना के चाहे हम उसमें कितना ही अच्छे से अच्छा मटेरियल लगा लें, अगर वो बिल्डिंग बना के हमने यूं खाली भी छोड़ दें, उसका यूज़ करना तो दूर है, अगर हम खाली भी छोड़ दें तो भी उसकी वैल्यू में कोई कोई कमी ज़रूर होगी। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो भी फिक्स असेट्स होते हैं, जो भी संपत्तियां होती हैं, उनके मूल्य में टाइम व्यतीत, समय व्यतीत होने से भी उनके मूल्य में कमी आती है, और ये भी एक डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लगाने का एक कारण है। ये जो टाइम स्पेंड होने पर जो कमी है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मौसम में परिवर्तन होंगे, बारिश होंगी, बाढ़, कुछ भी जो कारण है, समय व्यतीत होने पर उनके मूल्य में कमी जरूर आएगी और ये एक डेप्रिसिएशन का कारण है। फिर हम बात करते हैं कानूनी अधिकारों की, जो अवधि है वो समाप्त होने पर, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कुछ जो असेट्स हैं वो लीगल राइट्स के कारण उनका जो मूल्य है बिल्कुल फिक्स होता है, और वो लीगल राइट जैसे जैसे समाप्त होते रहते हैं उनके मूल्य में कमी आती रहती है। उदाहरण के लिए अगर कोई असेट लीज या पट्टे पर ले लिया जाता है एक निश्चित समय के लिए, मान के चलते हैं 25 वर्षों के लिए कोई असेट 25 लाख रुपए में लिया है पट्टे पर, तो जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये भी एक मूल्यह्रास का कारण है। उदाहरण के लिए अगर एक साल में इसको 25 सालों में बांटे तो हर साल 1 लाख इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो अगर 5 वर्ष यूज कर लिया तो 5 इसमें से 5 बार घटेगा, तो इसकी वैल्यू 5 साल बाद 20 लाख अपने आप रह जाएगी, और जैसे ही 25 वर्ष खत्म होंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो ये तीसरा कारण है कानूनी अधिकारों की अवधि जो है, टाइम जो उनका समाप्त होने पर भी जो है वैल्यू घटती है, तो ये मूल्यह्रास का एक कारण है।
उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो है अप्रचलन के कारण बाय ऑब्सिलेंस। नई नई खोज होती रहती हैं और उन खोजों के कारण नई टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं और बिजनेस के अंदर भी नई नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की मशीनें आती रहती हैं। जब नई मशीनें आती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके ऑपरेट करने के खर्च कम हो सकते हैं, वो बिजली से अगर चलने वाली है बिजली कम खपत हो सकती है तो उनके खर्चे कम होंगे, उत्पादकता उनकी ज़्यादा होगी। इस वजह से हर एक बिजनेसमैन चाहेगा कि वो अपग्रेडेड बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड जो मशीनें हैं उनका यूज करे, और उनका जब कोई नई अपग्रेडेड मशीन जब आ जाती है तो उसके कारण जो पुरानी मशीनें हैं वो यूजलेस हो जाती हैं, वो अप्रचलन में आ जाती हैं। हालांकि वो फिजिकल रूप में हो सकती हैं लेकिन उनका यूज नहीं किया जाता और ये भी एक डेप्रिसिएशन का कारण बनता है, उनके मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट जो कारण है वो है दुर्घटना या एक्सीडेंट। मशीन बिजनेस में यूज हो रही है उसमें कोई भी दुर्घटना होने के कारण उनकी वैल्यू में कमी आएगी। असेट कोई व्हीकल भी होते हैं बिजनेस के अंदर, वो एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई भी दुर्घटना, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, किन्हीं भी कारणों से अगर कोई एक्सीडेंट होता है उससे असेट की वैल्यू में कमी आएगी और ये भी एक डेप्रिसिएशन का कारण बनता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तता के कारण बाय डिप्लीशन। कुछ जो असेट होते हैं जैसे हम बात करें खानों की, बात करें कोयले की खान है, तेल के कुएं हैं, ये इनमें जो भी हमारे यूजफुल मटेरियल हैं चाहे कोयला हो तेल हो वो एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं और जितना उनमें से मटेरियल निकलता रहता है उतनी कमी उसमें आती रहती है, तो ये भी एक कारण है। हालांकि इसके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज नहीं करते, वहाँ पे डिप्लीशन लिखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम डेप्रिसिएशन के कारणों में गिन लेते हैं। तो ये है हमारे मूल्य ह्रास के कारण, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ह्रास लगाने की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य के बारे में, नीड इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सबसे पहले है शुद्ध लाभ या हानि की गणना करने के लिए। किसी भी व्यवसाय का नेट प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी इनकम है वो इनकम जनरेट करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो सारे सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नेट प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो सही नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जब तक सारे खर्चे डेबिट नहीं किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा दिखाया गया लाभ या हानि शुद्ध नहीं होगा। लाभ होगा तो वो ज़्यादा शो करेंगे, क्योंकि जो भी फिक्स असेट्स हैं ये फिक्स असेट बिजनेस में प्रयोग होते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के काम आते हैं, बिजनेस में प्रयोग होने के कारण उनके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। जब तक डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, खर्च के रूप में शो नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध लाभ या हानि की गणना नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो आवश्यकता है या इम्पोर्टेंस है वो है बैलेंस शीट द्वारा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए, चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए। यदि कोई भी बिजनेस डेप्रिसिएशन
प्रोवाइड नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा फिक्स असेट्स पर, तो फिक्स असेट्स जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू दर्शाएंगे, उनकी जो बुक वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके वहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया है। तो वो स्थिति भी जो है, फाइनेंशियल पोजीशन तो होगी लेकिन वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, ट्रू सही और एक्यूरेट जो पोजीशन होगी फाइनेंशियल वो नहीं शो कर पाएंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन सही जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा है सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए। कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है उसके लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित करने के लिए या उसकी मार्केट वैल्यू फिक्स करने के लिए प्रोडक्ट का या प्राइस कह सकते हैं वो निर्धारित करने के लिए उसको उस प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सही कॉस्ट नहीं जानेंगे उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ के सही से प्राइस भी निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगे हुए असेट हैं तो उनके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन बनता है वो हमें कॉस्ट के अंदर शामिल करना चाहिए, और जब तक हम डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो वो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, और जो एक्यूरेट कॉस्ट जब नहीं आएगी तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी सही से निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। तो प्रोडक्ट का सही प्राइस निर्धारित करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में शामिल करना होगा। और अगर यहाँ प्राइस कम फिक्स हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया है तो कॉस्ट कम आएगी, कम कॉस्ट के कारण प्राइस भी कम लगाया जाएगा, और जिससे जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट भी कम होंगे, अफेक्ट होंगे एडवर्सली। तो इसलिए सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करने के लिए, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस होने के कारण बिजनेस से नकद का प्रवाह बाहर नहीं होता, नकद जो है कैश बिजनेस से बाहर नहीं जाता, जो ये एक्सपेंस शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट वहां से कम होंगे लेकिन उसके बदले में पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाता, वो संचय के रूप में, कोषों के रूप में बिजनेस के अंदर ही रहता है। और इसलिए जब किसी असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, वो यूज का नहीं रहता, तो उसको बदलने के लिए दूसरा असेट खरीदना पड़ेगा, तो ये पैसा जो बिजनेस के अंदर इकट्ठा हुआ है उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं बिजनेस में असेट को रिप्लेस करने के लिए। तो इसलिए इस कारण भी डेप्रिसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं आयकर, इनकम टैक्स। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अब यदि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं बिजनेस के सारे असेट्स इनके ऊपर 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन बनता है। अब अगर ये 50,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करें तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 50,000 रुपए कम हो जाएगा। और दूसरी अवस्था में यदि हम ये 50,000 रुपए जो हमने माना है डेप्रिसिएशन बनता है हमारे असेट के ऊपर, अगर इनको हम चार्ज नहीं करें, डेबिट नहीं करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस कारण से हमारा जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए ज्यादा शो होगा। और जब ज्यादा शो होगा तो इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो वो कैलकुलेशन करते समय
इस 50,000 के ऊपर भी हमें इनकम टैक्स देना होगा, तो इसलिए इनकम टैक्स या आयकर ज्यादा चला जाएगा। तो उसको कम करने के लिए भी ज्यादा, अब ये ज्यादा अगर इसको हम शामिल कर लें तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा 50,000 से, और इसलिए हमें इनकम टैक्स भी कम देना होगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पूंजी निकालने पर रोक। यदि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे जो असेट्स हैं वो ज्यादा शो होंगे, और इसीलिए पूंजी भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे और वो कैपिटल में ही ऐड होते हैं, तो इस हमारे असेट्स और पूंजी जो है वो आभासी प्रतीत होंगे, ज्यादा प्रतीत होंगे, और मिसकैलकुलेशन में गलत फैसले लिए जा सकते हैं, पूंजी को निकाला जा सकता है। लेकिन यदि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो असेट्स की वैल्यू भी कम होगी और हमारी जो है कैपिटल कम होगी, और कम कैपिटल होने के कारण उसके निकालने पर रोक अपने आप लग जाएगी। इसके बाद कुछ और उद्देश्यों की हम बात करते हैं, अन्य उद्देश्य। यदि मान के चलते हैं हम डेप्रिसिएशन अगर नहीं प्रोवाइड करें, बिजनेस अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है, तो उससे हमारे जो प्रॉफिट हैं वो ज्यादा शो होंगे, और प्रॉफिट ज्यादा शो होने के कारण बिजनेस के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा वेज, बोनस आदि की डिमांड करेंगे। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा शो होने के कारण बिजनेस के अंदर फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, और कारण हो सकते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट जब शो होंगे तो उस फील्ड में, उस ट्रेड में बहुत सारे कंपटीटर आ सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा व्यवसाय करूं, ऐसा बिजनेस करूं जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो, और यहां पे क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपटीटर आ सकते हैं, तो ये भी ड्रॉबैक होगा। तो इसलिए जब हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो हमारे बिजनेस के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा बोनस, कमीशन की डिमांड नहीं करेंगे, और प्रॉफिट जब ठीक ठाक होंगे, एक्यूरेट प्रॉफिट होंगे यानी कम हो जाएंगे, तो दूसरे कंपिटिटर भी नहीं आएंगे, फिजूल खर्ची की संभावनाएं भी कम रहेंगी। तो ये है हमारे डेप्रिसिएशन लगाने के नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स। शुद्ध लाभ हानि की गणना करने के लिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए, उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए, संपत्ति की प्रतिस्थापना के लिए, फंड की व्यवस्था करने के लिए, ज्यादा इनकम टैक्स से बचने के लिए, पूंजी निकालने पर रोक, और अन्य उद्देश्य है जिनकी हमने बात की है कि एम्प्लॉयज ज़्यादा वेजेस, बोनस की मांग नहीं करेंगे, दूसरे कंपटीटर नहीं आएंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज अगर करेंगे तो फिजूल खर्ची की संभावनाएं भी कम रहेंगी। आइए बच्चों, अब हम ह्रास की राशि निर्धारित करने वाले तत्व या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। मूल्य ह्रास की सही सही राशि को ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो जो तत्व हमें ध्यान में रखने हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट को ज्ञात करने के लिए, वो हैं संपत्ति की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेट की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का मतलब असेट्स को जिस वैल्यू पर परचेज किया है वो, प्लस उसको लाने में जो खर्च किए गए हैं, किराया, फ्रेट या कैरेज जो भी है उसके ऊपर वो एक्सपेंसेस, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर कोई है, इन सब को हमें उस असेट की टोटल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए उसमें जोड़ देना चाहिए। जो भी असेट है उसके खरीदने, उसको लाने और उसको इंस्टॉल करने में
जो भी वैल्यू लगती है उन सबको हमें जोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एक मशीन है वो 60,000 रुपये में परचेज की गई है, 4,000 उसको लाने में किराया लगा, उसका रास्ते में इंश्योरेंस करवाया वो सब इसमें, और 6,000 रुपये अगर उसको इंस्टॉल करने में खर्च हुए तो उस मशीन की टोटल कॉस्ट है 70,000 रुपये। तो इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये लगती है, ये एक्चुअल है, इसको निकालना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम बात करें दूसरा जो एलिमेंट है, संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, क्योंकि ये फ्यूचर से संबंधित है तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा लगभग हर एक जो असेट हैं उनकी यूजफुल लाइफ का अनुमान लगाया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो अनुमान एक्यूरेट हो। तो वो असेट जरूरी नहीं वहां तक चले, उससे ज्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है, लेकिन एक एस्टिमेटेड होती है। अगर हम अनुमान लगाएं, मान लेते हैं एक मशीन है उसकी लाइफ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया जाता है कि ये मशीन जो है 20 साल चल सकती है, तो ये हम उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मान सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे केस में इसमें ऐसा हो कि भाई लाइफ को 20 साल है लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने के कारण ये मशीन केवल 15 साल ही चल सकती है, तो यहाँ पे फिर हम यूजफुल लाइफ को 15 साल ही मानेंगे। तो जितने साल कोई मशीन या कोई असेट बिजनेस में यूज हो सकता है उसको हम बोलते हैं उस असेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और तीसरा जो एलिमेंट है वो है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य। इसका मतलब है जो संपत्ति की यूजफुल लाइफ है उस यूजफुल लाइफ के बाद उस असेट का क्या मूल्य बचेगा, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ। और ये तीनों जो तत्व हैं, ये अगर हम बात करें यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू की, तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू निकालना भी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इन सब कामों के लिए खासकर सेकंड और थर्ड के लिए बिजनेसेस के द्वारा एक्सपर्ट्स का यूज किया जाता है। फिर भी ये कोशिश की जाती है ये चीजें नजदीक तो हों एक्यूरेट, क्योंकि फ्यूचर के लिए एस्टिमेट है और कोई भी फ्यूचर की एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इनके अनुमान लगाए जाते हैं। उसकी मान लो इसी किसी असेट की बात करें, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या बचेगी उसका अनुमान हमें अभी लगाना है, और वो जो वैल्यू बचेगी उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि ये अनुमान है, अनुमानित लागत है, अनुमानित मूल्य है वो क्या बचेगा। अब ये तीनों चीज जान लेने के बाद फिर हम निकालते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा। अब ऐसा करने के बाद जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन होगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और हर साल उतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने जो कॉस्ट ली थी, मान लो ये 70,000 है और यहाँ पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर 8,000 हम माने और 10 साल इसकी हम अगर लाइफ माने, तो यहाँ पे 62,000 भाग में 10 यानी कि 6,200 रुपये डेप्रिसिएशन बनता है। तो ये है हमारे कुछ तत्व जो कि हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट निर्धारित करने के लिए जानने जरूरी हैं। पहला है संपत्ति की कुल लागत टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर हम असेट की कॉस्ट में से और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को घटा दें और उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आ जाता है
डेप्रिसिएशन। फिर हम अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, एन्यूटी मेथड है, वो बहुत सारे मेथड हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।